हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट गॉर्जियस विद प्रांचल। आई एम प्रांचल। सो वैसे तो इस वीडियो का टाइटल चीख चीख के कह रहा है कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं इन ब्रशेस का आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आई हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैं उनका कमेंट यहाँ पर लगा दूंगी आप लोग के लिए। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप वीडियो में कौन से ब्रशेस यूज़ करते हैं, तो आज उनकी रिक्वेस्ट पर मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है और आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। सो जैसा कि हम सबको पता है कि एक अच्छे मेकअप के लिए जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके एप्लीकेटर्स भी होते हैं। तो आजकल आपने काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन 100 रुपीज़ के, 150 के, 200 के ब्रशेस देखे होंगे ज़रूर। फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, मीशो पर बहुत सारे इस टाइप के ब्रशेज हैं जो आपको इतने कम रेट में मिल रहे हैं। बट हमारे माइंड में हमेशा एक डाउट रहता है कि क्या ये ब्रशेज सच में अच्छे होते हैं, क्योंकि जो अच्छे ब्रशेज उनका जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि 500 से लेकर स्टार्ट होते हैं अच्छे ब्रशेज जो होते हैं। बट ये जो ब्रशेज हैं जो कि इतने कम रेट में मिल रहे हैं, क्या ये सच में अच्छे होते हैं, हमारे माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है। सो आज मैं आप लोग के साथ ये डाउट क्लियर करने वाली हूँ। सो ये ब्रशेज मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे जो कि मुझे 199 रुपीज़ के पड़े थे और मुझे कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगी थी। आई डोंट नो, शायद फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से इसलिए, या फिर मुझे नहीं पता क्या ऑफर वगैरह चल रहा था, बट मुझे फ्री डिलीवरी मिली थी। सो मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि ये ब्रशेज कैसे हैं, सच में अच्छे हैं कि नहीं, और आप इनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। सो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आए थे, इसी टाइप में मिले थे और मुझे बॉक्स वाली पैकेजिंग मिली थी। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी और बिल्कुल सेफली आए थे ये। और इसमें आपको टोटल 10 ब्रशेज मिल जाएंगे, इसमें कि आपको 5 फेस ब्रशेज मिल जाएंगे एंड 5 आई मेकअप ब्रशेज मिल जाएंगे। सो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने इन्हें कुछ समथिंग 1 मंथ पहले ख़रीदा था और जब से मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ और मैंने एक बार इनको वॉश भी करा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब मैं इनका आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ, इसलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5। सो देज आर 5 फेस ब्रशेज एंड देज आर 5 आई मेकअप ब्रशेज। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। आई नो ये गंदे हो रखे हैं क्योंकि अभी अभी मैंने इनके साथ ही मेकअप लुक क्रिएट किया है इसलिए, बट कोई बात नहीं, उससे क्वालिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी ये ब्रशेज और आपको बताती जाऊंगी कि इनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस ब्रशेज की। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पिंक पिंक लगा हुआ है। ये एक ब्लश के लिए ब्रश है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल अच्छा है। देन उसके बाद आपको इस टाइप का एक फ्लैट ब्रश मिल जाएगा जो कि आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के भी यूज़ कर सकते हैं और फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप एज अ हाइलाइटर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पाउडर ब्रश भी अपने अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस टाइप का एक और ब्रश है, मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ है, बट मैं किसी भी चीज़ में इसे यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद आपको इस टाइप का एक एंगुलर ब्रश मिल जाएगा जो कि हमारे कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इससे हमारा कॉन्टोर जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इन पाँचों की क्वालिटी की, तो क्वालिटी सबकी अच्छी है, बट मुझे एक ड्रॉबैक लगा है इनमें कि इसकी ये जो चीज़ लग रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये निकल जाएगी, पता नहीं क्यों, अभी तक निकली नहीं है, ऐसा नहीं है कि निकल गई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है। सो बाकी पांचों के पांचों ब्रश बहुत अच्छे हैं। इनके जो ब्रिसल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी आपके स्किन पर हार्श नहीं है। काफ़ी ब्रशेज ऐसे होते हैं जिनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होते हैं, बट इनके जो ब्रिसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो इनके जो ब्रिसल्स हैं ना वो एकदम इवन नहीं है, थोड़े से अनइवन है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कट नहीं किए हुए हैं, हल्के से अनइवन है, बट इतना कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आई मेकअप के ब्रशेस की तरफ। सो इनका मैं रिव्यू करूंगी एक एक करके। सो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ इन चार ब्रशेस के बारे में। ये चार ब्रशेस मुझे जहाँ तक है सिमिलर लग रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे नहीं लग रहे हैं। जैसे कि ये है, ये फ्लफी सा एक ब्लेंडिंग ब्रश है, तो इसे हम अपने क्रीज लाइन पर एक ट्रांजिशन शेड लेकर इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं, ये उसके काम आएगा। देन ये किस टाइप का ब्रश है, अब इसको आई थिंक अपनी आईलिड पर लगा सकते हैं अगर हमें अपनी पूरी आईलिड पर कोई कलर लगाना हो तो। देन उसके बाद सेम इसी टाइप का एक और ब्रश है, ये भी शायद क्रीज लाइन के लिए ही यूज़ में आता है। उसके बाद एक और ये ब्लेंडिंग ब्रश है, जब हम अपना कलर लगा लेते हैं उसके बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए काम आता है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी सा ब्रश है।
उसके बाद एक ये छोटा सा ब्रश है इस टाइप का, यू कैन सी। सो इस टाइप के ये पांच ब्रशेस दिख जाते हैं आपको, बट आई मेकअप ब्रशेस से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सिमिलर ब्रश हैं और काफ़ी अलग अलग टाइप के ब्रशेस होते हैं जो आई मेकअप में काम आते हैं। जैसे कि एक इस टाइप का ब्रश होता है, ये तो इसमें से नहीं आया, ये मैंने अलग से बहुत टाइम पहले खरीदा था। तो ये जो ब्रश है ये आई शेडो को अप्लाई करने के काम आता है, लेकिन जैसे कि हम अपनी आईलिड पर कोई भी शिमर शेड अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा शेड अप्लाई कर रहे हैं जिसके हमें बहुत ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन चाहिए अपनी आईलिड पर, सो उस टाइप के ये ब्रशेस काम आते हैं। और इसमें इस टाइप का कोई भी ब्रशेस ने मुझे नहीं दिखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है आई मेकअप ब्रशेज में। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा पेंसिल ब्रश जो होता है, जो कि हमें अपनी लोअर लैश लाइन पर ब्लेंडिंग के काम आता है, वो भी इसमें आपको कोई नहीं दिखाई देगा। यू कैन सी इसमें सारे के सारे बड़े ब्रश हैं, और अगर आप सोच रहे हो आप इससे अपनी लोअर लैश लाइन के आई शेडो ब्लेंड करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने करने की कोशिश करी थी बट वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था मुझे, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही अच्छे से ब्लेंड हुई थी। सो आपको लोअर लैश लाइन के आई शेडो ब्लेंड करने के लिए हमेशा इस टाइप के पेंसिल ब्रश की नीड होती है, जो कि इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे। अब आपको इन सभी ब्रश के बारे में अलग अलग बता दिया है, सो अब मैं आपको बताती हूँ अपना फाइनल रिव्यू कि आपको ये ब्रशेज बाय करने चाहिए या नहीं। सो पहले मैं आपको कुछ कंडीशन बता देती हूँ कि अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप ये ब्रशेस बाय कर सकते हैं। सो अगर आप बिगिनर हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर मेकअप नहीं करते हैं, आप बिगिनर हैं मेकअप में, आप टीनेजर हैं, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे ब्रशेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन आप डेफिनेटली इन ब्रशेज़ को ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी इतने भी बुरे नहीं हैं जो कि आप इनसे मेकअप कर ही ना पाएँ। आप स्टार्टिंग के लिए इन मेकअप ब्रशेस को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो फेस ब्रशेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट इसके जो ये आई मेकअप ब्रशेस हैं, मैं ये नहीं कह रही ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, नहीं ये भी अच्छे हैं क्वालिटी वाइज, ये भी अच्छे हैं, बट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेराइटी नहीं मिल रही है, सिर्फ यही एक बात है। सो मैंने ये कुछ 1 मंथ पहले लिए थे और मैं इनको आई मेकअप ब्रशेस को वॉश भी कर चुकी हूँ, बट आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है। और सबसे अच्छी बात ये जो इनके ब्रिसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, क्योंकि हम जब आई मेकअप करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से आई शेडो ब्लेंड करनी पड़ती है, और उससे काफ़ी बार ऐसा होता है जिनके ब्रशेस हार्ड होते हैं तो वो ना हमें हर्ट कर जाते हैं, वो यहाँ पर हमें पेन करने लगते हैं। जैसे कि ये वाला ब्रश है, पहले जब मैं इससे ब्लेंड करती थी आई शेडो तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत स्मूथली ब्लेंड कर देते हैं अपनी आई शेडो को। सो आप डेफिनेटली इन्हें बाय कर सकते हैं, मेरे लिए बिल्कुल थम्स अप है। अब आप लोग भी समझ सकते हैं 200 रुपीज़ में आप किसी की जान नहीं ले सकते, इसके 200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों के मैंने रिव्यूज़ चेक करे थे जब मैं इन ब्रशेस को लेने वाली थी उससे पहले, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं अच्छे नहीं हैं अच्छे नहीं हैं, बट हम एक चीज़ देखते हैं कि ये 200 रुपीज़ के हैं, और 200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी क्वालिटी देखें तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपके पास कोई इन ब्रशेस से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इन ब्रशेस की सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, अगर आप इन ब्रशेस को लेना चाहते हैं तो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे थे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं मैं आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम का, तो आप मुझे जाकर वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।